उत्तर प्रदेश के चंदौली में सैयद राजा नगर के खलील अंसारी को बीते रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाने के कारण झुलस गए थे, जिसके बाद वाराणसी स्थित अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जिसके दौरान आज मंगलवार को उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि जिसके कारण उक्त घटना की गुत्थी उलझ गई है। मृतक के समुदाय विशेष होने के कारण लोगों द्वारा भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। तो वहीं मौत से पहले जो बयान आया था उससे और पुलिस अपनी जानकारी और तफ्तीश में ये बयान को पूरा का पूरा मामला उलझा कर रख दिया है, जिसके बाद मृतक की माँ आकर आज अपनी बातें रख रही है। तो वहीं पुलिस द्वारा बार बार शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही जा रही है। मिट्टी का तेल इसके ऊपर छिड़क दो। नाम का सुनील, इसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दो। सुनील मिट्टी का तेल छिड़क दो ना। और माचिस बार दो, ये खुद ब खुद मर जाएगा। हम वहाँ से जान बचाए और पानी में कूद के भाग गए, घर पे चले आए। अपना नाम बताइए। हाँ जी, सईद। सईदुन्निसा जी, जिस बच्चे की मौत हुई क्या आप लगती हैं? क्या हुआ था उस दिन का वाकया जो आप लोगों ने खुद देखा, खुद सुना, जो बच्चे ने क्या बताया आपको? हम उठे, मेरा बच्चा घर पे नहीं था। इसके पापा से बोले बच्चा नहीं है, कहाँ गया? तो बोले 4 बजे लाइटिंग गया होगा। फिर जो है नहीं आया, तो फिर मैं इनसे बतियाने लगा बच्चा मेरा नहीं आया। ये बोले देख लो, थोड़ा देर आता है नहीं आता है, हो सकता है टहलने चला गया होगा। फिर उसके हम भी इनकी बातें हो रही थी, तब से वो आ गया जलता हुआ, पूरा जल चुका था। एक खाली बार अंदर बियर बुलाया था। हम बोले, बोला बाहर से मम्मी मम्मी, बोले कहा बेटा? बोले मम्मी जल्दी लाइट जलाइए, हमको बहुत जलन दे रहा है। हम बोला कहाँ जलन दे रहा बेटा, तुमको कहाँ गया था? मम्मी बस टहलने गए थे, लाइटिंग गए टहलने गए। हमको 4 जन मुंह बांधे हुए थे, पकड़ के ले गए हमको जला दिया। क्यों कुछ बताया? तो हम बोले बेटा क्यों जला दिया? मम्मी हमको नहीं मानी, हमको पहचाने नहीं बेटा। बोले नहीं मम्मी, वो लोग मुंह बांधे थे। हम की 2, 4, 5, 6 नहीं, मम्मी 4 थे। तो इसमें ये बार बार ये बात आ रही है कि कुछ नारा लगाने की बात आ रही है, तो ये बच्चे ने आपसे कुछ जिक्र किया था? नारा वाली बात नहीं हमसे बोला था वो। मेरे से जो बच्चा बोला मैं वो वही बोलूँ। अच्छा, तो फिर मैं बोला कि 108 पर फोन लगाइए, एम्बुलेंस बुलाइए, इनको ले चलिए। तब तक मेरा सब मोहल्ला भाग के। लेकिन आप लोग माँ बाप हैं, कुछ तो पता होगा कि क्यों आके उसको जलाया गया बिना किसी वजह से, कैसे? ऐसा है बेटा ना, वो मेरा बेटा है, तुम भी मेरे बेटे हो। हम कुछ नहीं छिपाए, कुछ नहीं, इतना वो सीधा है। आप लोग अगर नहीं यकीन है तो हमारे गांव में आके पता कर सकते हैं, एक आध दो गांव के बाहर भी पता कर। नहीं तो क्यों, वजह क्या थी? इतने दिन हो गए, 3 दिन आज है, कुछ तो पता होगा क्यों आखिर कुछ। हम तो 3 दिन से यही पर किसी को क्यों कोई जलाएगा, यही तो हम सोच रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या की है, खुद को जलाया है। कैसे? ऐसा तो नहीं, शादी शुदा है, उस घर में उसकी प्रॉब्लम है बेटा, कैसे जला लेगा 16 साल का बच्चा को? आत्महत्या नहीं है बेटा, आप मानो या मत मानो, आत्महत्या नहीं है बेटा। आपसे आगे करें हाथ जोड़। 16 साल का बच्चा अगर मेरा शादी शुदा होता या मेरा नंगा बदमाश लड़का बेटा होता, मैं खुद उसको छोड़ देती, छोड़ो हटा ये खुद गन। ये जो नारा लगाने की बात आ रही है, तो ये पहले क्यों नहीं उसने बताया? बनारस में ही आके इस तरह की बात सामने आई, ये हम भी नहीं समझ रहे। नहीं मालूम साहब, हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो चला गया वो चला गया, फिर मिलेगा नहीं, मगर झूठ हम नहीं बोलेंगे। शुरू से जो मेरे से वो बोला है ऐसा है, मम्मी जल्दी लाइट जलाएं, बहुत जलन दे रहा है। हम बोले बेटा कब से तेरा आसरा देख रहे, तो आज कहाँ गया था? बोले मम्मी लाइट। आपसे कोई वजह नहीं बता पाया? रविवार को जो संदिग्ध परिस्थितियों में जला था युवक, उसकी मौत हो गई है, उसके बारे में क्या है मामला, तहकीकात में क्या क्षण के सामने आया है? देखिए, आज उसकी दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है, और अब हमारे विवेचना के कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चूँकि जो मृतक है इसके द्वारा जब जीवित था तो जो बयान दिए गए थे उसमें अलग अलग घटनास्थल और अलग अलग जो दिशाओं में थे बताया गया था, और ये CCTV कैमरे की पहचान के आधार पर और घटनास्थल के चिन्हित हो जाने के बाद
एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वो कौन सी बात थी, कौन से ऐसे तथ्य थे जिन्हें वो बच्चा छुपाना चाहता था, क्योंकि वो मजार पे गया था और मजार पे उसके जले कपड़े मिले और वहाँ पे उसकी चप्पल मिली, जबकि उसने पहले जो है भतीजा मोड़, दुधारी पुलिया, छतेम और मनराजपुर इन गांवों का उल्लेख किया था जहाँ पे घटना होना बताया था। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि निश्चित तौर पर इस घटना के पीछे कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो बच्चा छुपाना चाहता था। अब कई सूत्रों से छानबीन से ये बातें निकल करके उसके मित्रों आदि के माध्यम से आ रही हैं कि कुछ का कहना है कि वो जादू टोना भी सीखने का प्रयास कर रहा था और उसके लिए मजार पे कभी कभी जाता था। मजार पे कोई मौलवी रहता नहीं है, केवल बृहस्पतिवार को एक मौलवी आते हैं। तो हम उस विषय में भी गहराई से छानबीन और जांच का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बात थी या नहीं थी। और अमूमन घर वालों ने ये FIR में लिखाया था कि लगभग 4 बजे प्रतिदिन दौड़ने जाता था, लेकिन ऐसी बात नहीं पाई गई। वो 6:30 बजे ही रोज़ उठता था और उस दिन 4 बजे भी वो नहीं गया था। और एक चश्मदीद जिनकी गाय ब्याई हुई थी, जिनका घर इसके घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पे है, मौर्या जी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि रात में 2 बजे जब वो बाहर अपने गाय के चक्कर में थे तो उस समय इस लड़के को जाते हुए देखा था और इससे पूछा भी कितनी रात को कहाँ जा रहे हो। तो किन परिस्थितियों में रात को 2 बजे वो घर से निकला और मजार की दिशा में गया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विवेचना का विषय है। मजार के पास स्थित एक ढाबे पर भी कुछ लोग थे, उनसे भी मेरी बातचीत चल रही है और हम जानकारी का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ आसपास और कोई दिखा या नहीं दिखा, क्या था। इसके अलावा मौर्या जो समाचार पत्रों के हाकर का काम करता है, उसकी भी महत्वपूर्ण गवाही है और वो मौके पे अपने को उस समय उपस्थित 4:25 पर बता रहा था। तो तमाम चीज़ें हैं और रंजित से लेकर के इसके द्वारा उच्चारित किए गए सुनील के नाम से लेकर और जितने भी बिंदु हो सकते हैं, हम सभी के परिप्रेक्ष्य में बहुत गहनता से विवेचना कर रहे हैं और हम चाहते हैं बिल्कुल घटना का सत्य अनावरण हो ताकि कोई निर्दोष जेल भी न जाए और जो दोषी है वो बच न पाए। कितनी टीमें बनाई हैं आपने इसके लिए? इसके लिए हमारे स्तर से 4 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 2 अलग अलग क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में और क्राइम ब्रांच स्वाट की टीम, सर्विलांस की टीम को भी हमने लगा रखा। सर, वाराणसी में हो गया था जब हॉस्पिटलाइज था तो उसने एक बयान दिया था, वो चौथा और अलग टाइप का बयान था कि जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए उसको जला दिया गया, तो इसके पीछे क्या सच्चाई छन गई है? नहीं, उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष जो अपना बयान दिया है, मेरी बात हुई है, उस बयान में इस तरह की किसी भी बात का कोई उल्लेख उसके द्वारा नहीं किया गया है। जो घटना का प्रकार उसके द्वारा शुरुआत में बताया गया था, 4 लड़के मुंह बांधे थे और एक ने सुनील का नाम लिया था, वही बयान उसने मजिस्ट्रेट को भी दिया है। बीच में ऐसा प्रतीत होता है कि परसों शाम को कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा उसके माता और पिता को मोटिवेट करके अपने शब्दों को उनके मुँह से निकलवाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ का एक बयान अभी मीडिया पर आया है और उस बयान को देखने के बाद उसकी माँ भी ये कह रही है कि इस तरह की कोई बात नहीं थी और मैं उसके मरने के बाद झूठ नहीं बोलूँगी। तो वो भी विश्वसनीय प्रतीत होता है कि उसकी माँ जो अब कह रही है वो सत्य कह रही है। तो जिन लोगों ने इस तरह की साजिश रची, उसको एक धर्म का आड़ देना चाहा और माहौल को ख़राब करने की कोशिश करी, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और क्या कार्रवाई कर रहे हैं? वो हमारी जाँच का विषय है और हम उन लोगों के बारे में जानकारी काफ़ी इकट्ठा कर चुके हैं और उस जानकारी के आधार पर जो भी आपराधिक मामला बनता है वो कार्रवाई की है। कुछ नाम सामने आए हैं, आप बताना चाहेंगे? अनिश, नहीं, नाम मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास कुछ मोबाइल नंबर। TV1 इंडिया न्यूज के लिए परविंद कुमार केसरी की रिपोर्ट, चंदौली, उत्तर प्रदेश। अपराध पर अंकुश लगाने के साथ साथ पुलिस और जनता के बीच अच्छे व्यवहार करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया है। कोतवाली जैतपुर का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर और पुलिस कोतवाली जैतपुर परिसर व कार्यालय मालखाने की बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण में अभियुक्तों के रखरखाव व अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के पुलिस कर्मियों को निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि जितने भी आगंतुक आते हैं उनके लिए अलग से सोफा लगाए हुए महिला कांस्टेबल बैठी हैं। ऐसे आकस्मिक निरीक्षण कभी भी किए जा सकते हैं। उन्होंने कोतवाली परिसर में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिए। और क्या आप लेखों में कुछ ऐसी कोई गड़बड़ी थी? देखिए, थाना जैतपुर पर आज मैंने सभी अभिलेखों का थाना परिसर का निरीक्षण किया गया। कुछ कमियां थी रजिस्टर्स में, जिसमें प्रार्थना पत्रों का एंडोर्समेंट नहीं था, बाकी ओवरऑल अभिलेख अच्छे हैं। यहाँ पर थाने की स्थिति अच्छी है। यहाँ पर जो व्यक्ति जो आते हैं, आगंतुक आते हैं, उनसे मिलने के लिए भी एक अलग से एक साफा लगाए हुए, एक सैश लगाए हुए महिला कांस्टेबल हैं, तो अच्छी बात है, साफ सफाई भी अच्छी है। तो ऐसे आकस्मिक निरीक्षण फ्यूचर में भी किए जाते हैं।
माल खाने वगैरह सर इसमें क्या कुछ? देखिए केवल आकस्मिक निरीक्षण था, अभी हम लोगों के एनुअल इंस्पेक्शन होंगे मंथ में, तो अभी एस एच ओ को बता दिया है कि एनुअल इंस्पेक्शन के लिए सारी तैयारी रखें, सारे अपने अभिलेख माल खाने शस्त्र इन सब की चेकिंग दोबारा से करा लें ताकि जो आगे आने वाले हमारे इंस्पेक्शन हैं आई जी साहब के इंस्पेक्शन इसमें कोई प्रतिकूल पड़ी ना। सर कोतवाली में आने वाले जो शिकायतें होती कितना यहाँ पर निस्तारण किया जा रहा कुछ ऐसा कुछ? देखिए शिकायतों का निस्तारण तो जनरल पब्लिक के फीडबैक से मिलता है, 10-15 मिनट बैठ के हम ओवरऑल निस्तारण नहीं पता कर सकते हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट, बाराबंकी। जनपद चंदौली की विद्युत समस्या पर बात करने पर अधिशासी अभियंता अवधेश कुमार शुक्ला के द्वारा जिम्मेदारी पूर्ण जवाब दिया गया। अभियंता महोदय व एक बीजेपी नेता के बीच हुई वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने का कष्ट करें, आखिर कैसे आदिवासी क्षेत्रों व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास हो। आप सुनने के बाद यह समझ जाएंगे कि बिजली विभाग के लोगों की मानसिकता क्या है। अब तो हमारे देश में बिजली समस्या को भी सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगा है, यही नहीं शासन द्वारा धरना मिलने की बात को भी कबूला गया, फिर इस देश का क्या होगा ये तो सोचने वाली बात है। हाँ भाई सर नमस्कार, मैं संजय सिंह बोल रहा हूँ, प्रभारी भाजपा। हाँ बताए कह रहे हैं कि हम रहने वाले मूलतः नौगढ़ क्षेत्र के हैं। अच्छा, तो वहाँ कुछ समस्याएं थी तो आपके एसडीओ को अवगत कराए थे। हाँ। तो वो संभव तो आपके सामने फाइल वगैरह पेश किए हैं जो है? तो हमारे सामने कोई फाइल नहीं आया। जी 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 जी, तो एसडीओ है कोई पटेल जी है, क्या नाम अशोक कुमार सिंह क्या नाम लिखते हैं वो जो है। हाँ। तो उनसे हम बोले थे तो बोले ठीक है सर उसको हम करवाते हैं। सर वहाँ मेन बात ये है ना कि तार इतना जर्जर हो चुका है कि आपको बरसात में लाइन देना संभव ही नहीं है। तो उसका पूरा वो एस्टिमेट वगैरह बनाए हैं तो उसी के लिए हम फोन कर रहे थे आपको, हम आपसे मिलना चाह रहे थे जो है। तो एस्टिमेट में जब कोई योजना होगी तभी तो पास हो पाएगा, तार का तो जी कोई योजना ही नहीं है। कहाँ कहाँ है ये? नौगढ़ क्षेत्र का है सर, नौगढ़ से लेके शमशेरपुर तक का। अच्छा जी जी जी, एक बार उसके बाद विचार करिएगा, नहीं तो अगर दिक्कत आएगी तो हम नहीं विचार की बात नहीं, जब कोई योजना आती तो करवा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इस समय कोई योजना नहीं, एलएनटी को ही करना है फोर्थ फेज में जर्जर का। जी क्या कह रहे हैं सर? एलएनटी को ही करना समझ रहे हैं ना, लाखन टुकड़ों को ही। हाँ। अब उसकी योजना पास हो जाए तो उसमें होगा, अभी पास नहीं हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ पास होगा तो उसमें डलवा देंगे। ये बहुत बड़ा एस्टिमेट नहीं है सर, इसमें करीब 30-40 तो खम्भा है और थोड़ा बहुत तार है। 40 खम्भा बहुत बड़ा एस्टिमेट हो गया ना। अच्छा 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 अच्छा, 40 खम्भा का मतलब हो गया कि 4 लाख रुपया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ और 3 किलोमीटर तार। हाँ तो 3 किलोमीटर तार वो सब मिला करके बहुत पैसा हो गया, 10 लाख रुपया हो गया। अच्छा 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 अच्छा, तो क्या उम्मीद किया जाता है उस पर हम लोग? उस पे क्या उम्मीद किया जाए? उम्मीद है कि विधायक निधि भी ला सकते हैं आप। एकदम ला सकते हैं आप, कहिए हम यहाँ से लेकर शासन तक हम करते हैं, हमारे अच्छे संबंध भी ऊपर। विधायक निधि अगर मंजूर करा दीजिए। हाँ नहीं विधायक 20 लाख रुपया तो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे सर आपसे विधायक निधि में उसको मत डालिए, क्योंकि यहाँ पे विधायक निधि का इतना खींचातानी है कि हम लोग किसी का व्यक्तिगत एहसान नहीं लेना चाहते हैं जो है। उस पे हम जो है शासन को अगर आप लिखेंगे तो उस पे भी मैं पैसा पास करूंगा। शासन पर स्कीम नहीं है ना जी, शासन के स्कीम से नहीं हो पाएगा। विधायक निधि लाएंगे पट से काम हो जाएगा। नहीं तो विधायक निधि ले आइए, विधान परिषद निधि ले आइए। ऐसा है बिजली विभाग को इसका पैसा देना चाहते हैं ना। समझ रहे, उसी से मना करेंगे, उससे नहीं जाना। बिजली विभाग को पैसा कर भुगतान अधिकारी देते हैं बहुनाथ मंजन में। कौन देता है सर? कर्मचारी पूरा पैसा देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, जितना उनका निधि होता है। हाँ। पूरा का पूरा वो केवल बिजली विभाग को देते हैं वो। ऐसा क्यों करते हैं वो? उसी से भाई मऊ में बिजली अगर नहीं मिलेगी मुसलमानों को तो वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, बुनकर का इलाका है ना वो। अच्छा 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 अच्छा, तो बुनकर अपना तार हमेशा गोरा गोरा रखते हैं, काला काला नहीं रखते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मुसलमान इतने शौकीन होते हैं कि वह अगर हर 3 तार पर इतने शौकीन होते हैं कि तार बदलवाते हैं। अच्छा अच्छा, खंभा अपना बदलवाते रहते हैं वो सब ठीक ना। हाँ। कि हमको वोल्टेज अच्छा मिलेगा, अच्छा से अच्छा तार बदलवा देते हैं 3 साल में वो सब। अच्छा, तो मुख्तार अंसारी का जो 5 करोड़ रुपया रहता है वो बिजली विभाग को फिक्स रहता है, वो भी कल मुस्लिम इलाके के लिए कोपागंज मऊ टाउन जो है ना, तो उस नाते वहाँ गोरा तार हमें काला तार नहीं होता समझे ना। अच्छा, गोरा तार की राजनीति करते हैं।
गोरा तार में जो तार एकदम नया चमकता है चांदी ऐसा। समझ रहे हैं आपकी बात, हम समझ अच्छी तरह तो ऐसा। और मुसलमान ऐसा होता है कि जो कौन चकात का पैसा भी होता है ना, तो वो तो अपना पैसा वो सब भी लगा के जमा कर देते हैं। कंज्यूमर कोई है बड़ा आदमी, आपने फोन किया तो अगर हाजी रऊफ अंसारी हैं तो कहे साहब एस्टीमेट बनाइए 15 लाख का, और 15 लाख रुपया मैं जमा कर दूंगा। अच्छा अच्छा, तो आप पैसा अगर जमा कर देंगे तो स्टोर से सामान मिल जाएगा आपको, समझ रहे हैं ना। ये हमारे यहाँ बनिया का हिसाब है एकदम से, समझ लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे पास एक पैसा नहीं है। अगर आप हमको पैसा 1 करोड़ रुपया ला दीजिए, 1 करोड़ का काम करा लीजिए, इसलिए 1 करोड़ रुपया में जी 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 90-95 लाख हमारा स्टोर का सामान का पैसा जमा हो जाएगा, और 4-5 लाख हमारा बनाने में खर्च होता है। बात समझ रहे हैं, सारी बातें सर आपके हम समझ गए। समझ गए तो उसमें ऐसा है कि काम के शौकीन लोग जो है तुरंत पैसा लाते हैं। बिजली विभाग के एक्सचेंज के पास 1 रुपये का पैसा होता है, समझ रहे हैं ना। और हमारे पास पैसा रहेगा तो हमको सामान नहीं मिलेगा स्टोर से, तो आपका कैसे काम कराएंगे बताइए। चलिए अभी अपना फंक्शन किए थे तो 2 लाख रुपये अपने घर से लगाए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो भाई ऐसा है कि नाच कराना है तो पैसा देना है ना। अच्छा, क्योंकि नचनिया पहले सट्टा लेंगे, फिर वो हारमोनियम साज बजाएंगे, तो फिर उसके बाद गाना सुनाएंगे तो बख्शीस लेंगे। तो बिजली विभाग भी वैसे ही हम लोग का है, समझ रहे हैं ना। मतलब अगर हमको सट्टा पे आप ले चलेंगे तो वो बजाएंगे और हम लोग बढ़िया से डांस करेंगे आपके लिए। अच्छा, तो फिर आप उस पर खुश। हाँ, बस वही काम बिजली विभाग का है, नगर पालिका का भी वही काम है। अगर टक्की फंस गया है, सीवर फंस गया है, तो जमादार भेज देगा, जमादार उतर जाएगा एकदम से, और सब नाली वाली आपका चौक हटा देगा धड़ाक से। चलिए सर, आपकी बातों को हम ध्यान से सुन लिए जो है, सुन लिए ना। तो बस वही बात है, अक्सर जाते रहते हैं। शासन वासन से हम लोग को 1 रुपया नहीं मिलता, समझ रहे हैं ना। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कोई विधायक सांसद एमपी जो है माई का लाल यहाँ 1 रुपया देता नहीं है। फरमाइश बहुत लंबी सुनता है वो, कि कत्थक सुनाइए, ठुमरी सुनाइए और दादरा सुना दीजिए। बात समझ रहे हैं आपकी बातों को सर, अपनी समस्या के रूप में आप ही के शब्दों में हम रखेंगे। और हम नहीं, वो बात बता रहा हूँ, मुख्तार अंसारी हमारी बात सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, कुछ लोग जो है भाई, हम तो वहाँ रहे ना, तो वो 15-20 साल से विधायक है, तो लगातार वो पैसा जो है बिजली विभाग में उड़ाता रहा, पीडब्ल्यू में गुंडा ही करता है, समझ रहे हैं ना। पीडब्ल्यूडी में वो गुंडा ही करते, पूरा काम कराता है भाई, जो जैसे जिसका जो वर्किंग है। अब ये सब बात मत सुनाइएगा, अब आपने बात कहा तो मैं बता रहा हूँ आपको। हम बता रहे सर आपसे, थोड़ा हम लोग भी बीजेपी के इस समय भाजपा के प्रभारी स्कीम से नहीं, स्कीम का राज पैमाने पास हो गई, जैसे एलएनटी की स्कीम थी, तो उसमें ये स्कीम था कि जो गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ, जहां बिजली नहीं पहुंची है। जी जी जी, बात समझ रहे हैं। जी जी, एकदम समझ रहे हैं, एकदम समझ। मतलब जिसके घर खाना नहीं पहुंचा है उसको खाना पहुंचाना था। जी जी जी, और जिसके घर खाना है और मतलब कि वो खाना सही नहीं है, मतलब उसमें दाल है तो सब्जी नहीं है, रोटी नहीं है, उससे मतलब नहीं सरकार का, उसका मतलब नहीं था। अच्छा, अच्छा, अब उसका, अब जर्जर वाले का मतलब चौथे फेज में उलाएं इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। जी जी जी, अब उसमें होगा, दिक्कत ही है ना। ऐसा है सर, हम थोड़ी सी अपनी बात भी कर रहे हैं आपके, मतलब बहुत देर से सुने जो है, बिजली विभाग से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है जो है। और हम रहने वाले शमशेरपुर गांव में भी पड़ता है आपके नौगढ़ क्षेत्र में, हम लोग आपको भुगतान है शमशेरपुर में भी, हम रहते हैं बनारस में। सेम समस्या थी आपके उपाध्याय जी जो बनारस के एफसीएन, उनसे हम बोले जो है, उन्होंने तुरंत टाटा सर्वे करवा के उस पर जो है 1 महीने के अंदर काम लगने जा रहा है। और हम लोग जब लखनऊ मीटिंग वगैरह हम लोगों को बुलाया जाता है तो हम लोगों से पूछा जाता है कि प्रतिनिधियों की बात छोड़ दीजिए, आप लोगों को जो पदाधिकारी बनाया गया है तो आपके विभाग के अधिकारियों से आप लोग अपनी बात रखते हैं तो क्या रिस्पांस मिलता है और किस किस तरह की समस्याएं आती हैं? सर, ऐसा जब हम इसकी शासन, हमारी बात सुन, जब आपके पास सर नहीं, मेरे पास पावर नहीं है ना। हम आपको सर कुछ कर रहे हैं, हमारी बात आप सुन लेंगे, हम अपनी मेरी बात उसको जब ऊपर से आप पास नहीं करा पाएंगे, बनारस में स्कीम रहती है ना। एक चीज दिमाग, इलाहाबाद जो है आपका, हमारी बात सुनिए, एक चीज दिमाग, दो चीज। अरे सिंह साहब, मैं इलाहाबाद 7 साल रहा। जी जी, तो वहाँ हर साल मेला में इतना काम आता है ना, बिना कहे काम हो जाता है, समझ रहे हैं ना। हम सर एक रिक्वेस्ट, इलाहाबाद का जो उतारा सामान है मेला का जी,
वो सामान पूरी यूपी में बढ़ जाता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहे समझ सर। इलाहाबाद भी हम लोग, हमारा क्या क्षेत्र है, इलाहाबाद में 7 साल लेके आया हूँ जी, जी। तो माँ गंगा का ऐसा की कृपा है जी, जी। वहाँ किसी पत्नी की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं ना? जी 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 जी। वहाँ पे इतना सामान खेलम खेल बम्बे में हो जाता है, उनको करते 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 इलाहाबाद इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन परेशानी क्या है, जैसे आपने यहाँ का बताया जी जी जी, वहाँ के लिए कोई स्कीम नहीं है, कोई बिजनेस प्लान नहीं, कोई एक्स वाई जेड नहीं। जब कोई प्लानिंग आएगी तब तो होगा जी जी जी। हमारी बात सर, दो चीज आपको बोलेंगे सर। हाँ, जब उसका बजट पास होगा, दो चीज ध्यान में रख के हमारी बात सुन लीजिए आप। हाँ, एक तो आप हमारे अधिकारी हैं। अरे भैया, बात आपकी सही, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए ना। हम आपको कुछ नहीं कहें, हमारी बात पैसे नहीं है, हम सर ये करेंगे। आप कहाँ से आपका काम करेंगे? हम आप काम करने के लिए हमारा काम देखिए, हमारा एसटीओ एस्टीमेट बना देगा, हम उसको एसी के यहाँ भेज देंगे जी जी। एसी के यहाँ से क्या फाइल, आप समझे 4-4 साल की फाइल पड़ी हुई है सब जी 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 जी। वहाँ से सेंक्शन हो जाएगा तो क्या करेंगे? आपके यथार्थता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। हम केवल दो शब्द कहेंगे, हमारी बात सुनने के लिए, काम के लिए अब नहीं कहेंगे। अब हम जा रहे हैं लैटिन करने, समझ रहे हैं ना? आपने अभी मेरा लड़का बता दिया जी जी, तो मैं मिला दिया, हमको अब मैदान लगा हुआ है जी 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 जी। तो कैसे बात होगी सर आपसे? TV1 इंडिया न्यूज के लिए परविंद कुमार केसरी की रिपोर्ट, चंदौली उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल में विभिन्न मांगों को लेकर हावड़ा पूरा सभा के अस्थायी सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर सड़क को जाम कर दिया गया। दैनिक वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर सफी कार्यकर्ता लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकाला गया। हम लोग का, हमारा कहने का मतलब है, दीदी आपको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हम लोग को महीना बुलाइए, नहीं तो ये पूरा हावड़ा हाहाकार मचाएगा, यहाँ से लेके बाली तक लेबर हड़ताल कर देगा। पूरा हावड़ा, पूरा हावड़ा हड़ताल। चैलेंज है, हम लोग मर रहा, खातिर मर रहा, कोई सफाई नहीं होगा, नहीं चैन नहीं बोलेगा। हम लोग पैसा बढ़ाओ, हम लोग को गोभी हाकिम को चाहिए, गोभी हाकिम से हम लोग बात करने चाहते हैं, झूठो और कुछ नहीं। कहे कि गोभी हाकिम तो सबके कर रहा था, हम लोग क्यों नहीं करेगा? कोलकाता में कर रहा, हावड़ा में क्यों नहीं करेगा? आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग सब क्वेश्चन फेंकते हैं, नाला कूड़ा उड़ा फेंकते हैं, भविष्य और हमारे के तुम्हारा निचले रखो क्यों? हमारा देश भविष्य, हमारा ना कचरा तुलब तो अपनी की करे थकबें? अपनारा की करे थकबें? थकते पाबें ना, और हमारे मायना नहीं, हमारे किचु नहीं, कोनो चीज नहीं, कोई इज्जत नहीं। কত জন আছে? কি বলছে কর্পোরেশন? কি বলছে আপনার নাম? আমার নাম মীনা দাস। আমাদের ওকে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমাদের 30 তারিখে বলেছিলেন আমাদের ঘোষণা করবে, কিছু না কিছু। কে বলেছিল? আজকে আমাদের কিছু বলেনি। আচ্ছা, বলছে আমাদের জানি না কি বলছে, কিছু বলছে না। আবার কুড়ি দিনে, কুড়ি দিনে আবার টাইম চেয়ে সামনে নিচ্ছে আমাদের। কুড়ি এর আগে কি বলেছিলেন? এর আগে 30 দিনে 30 দিন। আমার নাম আলোক তুরি, আমি কমিশনার রুমে ঢুকলো। আমরা 30 তারিখে ডেট দেওয়া হয়েছিল, তো 30 তারিখ আজকে স্যার আবার আমাদেরকে উল্টো বোঝাচ্ছে, দেখি 10 তারিখে তুমি এসে মানে জানো, মানে জানবো স্যার কি জানবো? আমাদের পাগলি, মানে পাগলি আমাদের দেখে ছাড়বে। কি দাবি আছে আপনাদের? আমাদের দাবি আছে আমার মাইনে বাড়াবা, দাবি আছে আই কার্ড, দাবি আছে আমাদের ছুটির পয়সা, এগুলো কিছু পাই না। আমি 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 যেরকম এখন বাইরে আপনাদের আবেদন পূরণ না হলে কি করবে?
আমরা অফিসার না বসবো আমরা স্টাকে নাবো স্টাকে নেবে গেছে আমরা কাজ 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 অলরেডি নেবে এত চলছে না 5000 টাকা কিন্তু আজকে আমাদেরকে কমিশনার সাহেব বসিয়ে রুমে উল্টো উল্টো বুঝিয়ে দিল বলে কি 10 তারিখ আপনারা শুনবেন না তো না আমরা শুনবো কি চাইছেন এখন কি করবে আমার মাইনে ভাড়া নিয়ে দরকার যেটা আমাদের লিস্ট আছে ওই না পেলে কি করবেন না পেলে কি করব আন্দোলন করব বন্ধ করব সাফাই সাফাইয়ের কোনো কথা থাকবে না टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सत्यजीत दुबे की रिपोर्ट हावड़ा पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में कोतवाली क्षेत्र के पुराना डी प्रभु नारायणपुर गांव में दो भैंसों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो वहीं पर ग्राम प्रधान ने शेर के द्वारा हमला किए जाने की बात कही तो वहीं वन विभाग ने क्षेत्र में शेर होने की बात से पूरी तरह से इनकार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज यादव की मवेशी गेरुआवा के जंगल के पास से लापता हो गई थी तो वहीं भैंस को जंगली जानवर ने गर्दन पर हमला कर दिया है जिससे पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा मामला आपको बता दें कि चकिया के सुदूरवर्ती पुराना डी गांव का है जो कि पहाड़ी क्षेत्र के पास का है। गाँव के मनोज यादव के मवेशी गेरुआवा के जंगल के बरसात होने के कारण जंगल में गए हुए थे। शाम को पशुपालक द्वारा जब मवेशी की तलाश करने लगे तो जहाँ पर दो मवेशियों की गर्दन पर गहरे निशान दिखे तो वहीं पशुपालक घबरा गए तो वहीं एक मवेशी को काफी खोजबीन के बाद आज भी नहीं मिल रहा है। वहीं के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि मवेशी जंगल में चरने गए थे। आशंका जताई जा रही है कि किसी जंगली जानवर ने मवेशियों पर हमला बोल दिया था। किसी प्रकार के दो मवेशी अभी सुरक्षित हैं लेकिन अभी भी एक मवेशी नहीं मिल रहा है। मैं ग्राम प्रधान पुरानाडी। क्या मामला है आपके गाँव? मामला जो है कि भैंस जंगल में चरने गई थी जिसमें कि दो भैंस को दांत वोत लगा, एक भैंस नहीं पता है, शेर ने जो हमला किया था। अभी दवा इलाज किया आप लोग? कोई दवा इलाज नहीं, डॉक्टर को फोन किए हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। किस गांव का मामला है? ये ग्राम प्रभु नारायणपुर पुराना डेर ग्राम पंचायत में पड़ता है। तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जैसे कि पब्लिक में दहशत पैदा हो गई है और गाँव भी जो है कि पहाड़ के करीब सटा हुआ है जिससे कि आज पशु पर हमला किया है कल। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए परविंद कुमार केसरी की रिपोर्ट चंदौली उत्तर प्रदेश।